So, आज खुशी का बर्थडे, जैसे कि आप लोगों को पता है, नहीं पता कि पार्टी कहाँ पे होने वाली है, कैसे सेलिब्रेशन होने वाला है। गाइस मैंने आई मेकअप कर लिया और बाकी मेरा मेकअप पेंडिंग है। मुझे एक आइडिया लग रहा है पर मैंने बकरा बोल दिया तो शायद वो खराब हो जाए। यार कुछ भी नहीं, तुक्के पे तुक्के बजा रखे। सो गाइस मुझे पता नहीं कहाँ लेके आए हैं, ये वो वाला थाईलैंड वाला हाल ही कर दिया। मजा आएगा राजा। हैप्पी बर्थडे टू यू। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। सो आज है खुशी का बर्थडे, जैसे कि आप लोगों को पता है, और हम लोग हो चुके हैं रेडी। अभी तो खुशी को नहीं पता कि पार्टी कहाँ पे होने वाली है, कैसे सेलिब्रेशन होने वाला है। और यार मतलब मेरा मन था कि रात को हम बहुत तगड़े से पार्टी करें किसी कैफे में जा करके, लेकिन सारे कैफेज ऑलरेडी बुकड थे, लॉक थे, पूरा मतलब लबा लब भरे थे, बिकॉज कल फ्राइडे था, आज है सैटरडे, आज भी वही कंडीशन है। लेकिन आज हम लोगों ने एक बहुत तगड़ा सरप्राइज प्लान किया है खुशी के लिए, जल्दी चलते हैं। और हाँ, एक बार मेरे मन में आया था कि हम लोनावला चलते हैं, वहाँ पर स्टे करेंगे, दो दिन मजे करेंगे, लेकिन फैमिली नहीं थी साथ में और हम तीन चार लोग क्या ही मस्ती करते, तो इसलिए वो प्लान कैंसिल किया। और अब जो हम करने वाले हैं मस्ती, वो एक यूनिक एक्सपीरियंस है हम लोगों के लिए और काफ़ी मजा आने वाला है। तो जल्दी से निकलते हैं, पहुंचने में भी एक सवा घंटा लगेगा, तो जल्दी चलते हैं। खुशी को भी दिखाता हूँ खुशी ने क्या वेयर किया है। गाइस मैंने आई मेकअप कर लिया और बाकी मेरा मेकअप पेंडिंग है। पहले मैंने कुछ और कपड़े पहने थे, दिलवा दूं नहीं, मैं गाड़ी में करूंगी। पहले कुछ और पहना था, फिर और कुछ पहना था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था क्या होने वाला है। आई मेकअप इसलिए कर लिया क्योंकि गाड़ी में होता नहीं, बाकी पूरा करने वाला। कितनी गलत टाइम पे मेकअप, ये नहीं मुझे पता। मुझे एक आइडिया लग रहा है पर मैंने बकरा बोल दिया तो शायद वो खराब हो जाए। बताओ शायद क्रूज पे दो तीन बातें लगा शायद। यार कुछ भी नहीं, तुक्के पे तुक्के बजा रखे। कहीं बाहर जा रहे होते तो कपड़े लेके जाते, कपड़े लेके जा रहे हैं, कपड़े गाड़ी में रखवाए नहीं। अरे यार अभी तो आया था, मुंह पे अलग ही दिख रहा है। आपके रखवा दिए कपड़े, अलग ही दिख रहा है, रखवा दिए आपके कपड़े अभिषेक से। सो गाइस मुझे पता नहीं कहाँ लेके आए हैं, कहाँ जाने वाले हम, लेकिन कहीं पार्किंग का इशू हो रहा है क्योंकि हम लोग हैं टाउन में और यहाँ पे पार्किंग ही नहीं मिलती है, और मुझे और राजा को उन्होंने गाड़ी के पास ही खड़ा कर रखा है। पार्टी इतनी नीचे क्यों? अभी बताता हूँ इतने नीचे क्यों। मुझे तो पता था फिर रूप में, हाँ मेरे को आइडिया हो गया था जब बोला एक डेढ़ घंटा दूध, तो मैंने एक डेढ़ घंटा दूध कहाँ जा सकती, क्योंकि वो निशित भैया के बातों से थोड़ा थोड़ा लग गया था मुझे पर। मेरी बातों से कैसे लगा? आपकी बातों से पता लग गया था, हम कुछ बात ही नहीं किया इस बारे में। क्या सीन है? यो आदमी गलत है जो अपनी टीम में रखा जाए। और यहाँ से थोड़ा सा पहले तीन वोटें चेंज हो रही है, ये वो वाला थाईलैंड वाला हाल ही कर दिया, यहाँ से वहाँ वहाँ से नहीं जा रहे बाकी। ये प्लान मुझे पक्का पता है, ये सजेस्ट आपने को रिसीट नहीं किया होगा, क्योंकि जो प्लान ऊपर नीचे हो जाते हैं ना टाइम में। तो गाइस फिलहाल हम लोग निकल रहे हैं और बाबू मजा आएगा राजा। अभी देखना इतना मस्ती आएगी राजा, इसलिए हम लोगों ने रात का रिलैक्स बैठो। डैडा ने पकड़ लगाया, देखो मेरे बच्चे को राजा लग रहा है। माचो हमने एंजॉय करना, बस ऐसे ही घूमेंगे, अभी केक वेक कट करते हैं इसमें। कुछ इसके सामने पता दिक्कत क्या, बात भी नहीं कर सकती, कह रही मैंने सुन लिया था कि दूसरी जगह पे कौन छोड़ेगा। सो गाइस वहाँ पे दिख रहा है होटल ताज, और कितनी प्यारी वाइब आ रही है बाहर से देख के, तो पूछो मत गाइस। आप बेटू फाइनली गाइस वी रीच्ड, इसकी हवा को मेंटेन करने के लिए आप साथ हैं मामा ने। सो गाइस अंदर से है कुछ वाइब ऐसी, हैप्पी बर्थडे बेबी, लाइफ जैकेट पहना दो, अपनी लाइफ जैकेट। हैप्पी बर्थडे, थैंक यू मेरा बेटा। बाबू आपको क्योंकि बहुत ऊपर नीचे ऐसे ऐसे हो रहा था, ऐसे आप सारे कंफर्टेबल थे, मैं हील पे थी, मैं नहीं बता दी। यू आर माई हार्ट ना, इसलिए हार्ट वाला केक। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अगर ध्यान से सोचा जाए
कि हम लोग पानी के बीच में और इतनी दूर बैठ के पानी में पिज्जा खा रहे हैं। अंदर बैठ के तो नॉर्मल लग रहा है, बाहर सोच के जब खड़े होंगे चारों तरफ पानी पानी है, क्योंकि यहाँ तक आने के लिए भी तीन तीन फेरी चेंज करनी पड़ी है। सो गाइस यहाँ पे चल रही है पिज्जा पार्टी और बहुत सारे पिज्जे हैं। ये राजा का कौन वाला ये? हाँ जी यार, ये देखो ये यहाँ पिज्जा बॉय, पिज्जा बॉय पिज्जा खा रहे हैं नीचे बैठ के, हम लोग ऊपर कर रहे हैं शूट। कैसे लगा नूनू ये वाला? अच्छा है ना एरिया है? क्या बोलो राजा? कह रहा डैडा मुझे कसम से नीचे छोड़ दो, पर अभी जब से इसने मेरा सर खा रखा है डैडा, डैडा बाहर नहीं संभाले जा रहा। बस मुझे क्लचर लेके आना चाहिए था ना, बहुत अच्छी वाइब है, बहुत ठंडी ठंडी हवा, हमने केक कट किया, हमने खाया, म्यूजिक सुना, वाइब करी, लेकिन अभी प्रॉब्लम ये हो रही है कि मैं फोटो शूट नहीं कर पाई, बाहर ऐसे ये सब हो रहे हैं हमारे यार, लेकिन मजा आ रहा है पूरा, है ना? आप देख सकते हो ये जो चीज है ना, ये वायर है, बस वायर है, इसमें इनको वो देना चाहिए था जैसे हम थाईलैंड गए थे, दिया था ना उन्होंने। सो गाइस राजा ने भी हम लोगों को ज्वाइन कर लिया, ये भी हमारे साथ बैठा हुआ है, सब लोग हम बैठे हम लोग, ये ऐसी वाइब ना जिंदगी ना मिलेगी दोबारा उसे, देखो ये फीलिंग बहुत रहता है। पीछे है ताज, यहाँ पे हाँ जी हो गया, उधर ही आ रहा हूँ मैं, उधर ही आ रहा हूँ। डिसाइड करा था पार्टी पेपर फोड़ेंगे, लेकिन हमें तीन चार वीडियो में एक में पार्टी पेपर आएंगे, वो एक में खुलते हैं, एक में इधर उधर छोटी सी क्लिप लगा देंगे, इतनी तेज भाग रहे हैं पार्टी पेपर पीछे की तरफ, और पीछे है होटल ताज। ओ हो, फाइनली हम लोग जा रहे हैं नीचे, और बर्थडे होता है यहाँ पे? नहीं होता बर्थडे, बर्थडे खत्म बेटा, अभी तो पार्टी करने जाना है। अच्छा, ये तो एंजॉय करने आए थे, पार्टी तो अब शुरू होगी पार्टी। ओके चलो चलो आ जाओ नीचे नीचे, ठीक है। सो गाइस फिलहाल हम लोग पार्टी करने आ चुके हैं, बहुत सारी जगह है। गाइस बर्थडे खुशी का है और मजे ये ज्यादा ले रहा है, अब देखना जब यहाँ पे मेरे पास आएगा, बर्थडे खुशी का मस्ती इसकी, क्या तो कितना मजा आ रहा है यहाँ पे। ऋषि जैसा पागल आदमी भी देखा, पार्टी पेपर फोड़ दिया गया, तेरा सिस्टम ही तेरा गलत है यार। बाबू आपके कुरियर से लेने हमें चले। सो गाइस सारे वीके फैम की तरफ से और भी बहुत सारे केक्स आए हैं, मैं आपको दिखा दूं, एक एक इसमें है, ये इशू की तरफ से है, इशू प्रोजेक्ट की तरफ और से, एक ये है, ये सैप्रिया की तरफ से, सैप्रिया मेरे भाई ने भेजा, एक चाचा चूचू की तरफ से, चाचा चूचू कट करें सारे, हां सारे कट करते हैं, चलो जल्दी से जल्दी गाइस सारे कट करते हैं। और हां ये भी खोलो जो शौर्य ने गिफ्ट दिया था। हां यार पहले ये खोलती हूं, पहले खोलो, शूज ना भेजो लड़ाई बच जाए, ऐसे जूते गिफ्ट करते हैं किसी को, शूज ही है, हील है, हील है ओ भाई, उसने मेकअप का आपका झंबेड़ा खत्म कर दिया, उसे पता है और उसमें पता पार्टीशन होते हैं ना, उसे पता था कि भाभी अब तो एटलीस्ट संभाल ले अपना सिस्टम सारा। उसमें पार्टीशन है, कितनी प्यारी है ना, पार्टीशन से ना अलग से भी दे रखे हैं। थैंक यू सो मच शौर्य ब्रो, थैंक यू, लव यू मेरी जान। तो गाइस ये सारे केक हैं जो आपको बताए अभी फिलहाल, अब खुशी माचो करेगी मेरी कट इनको, बहुत प्यारा लिख के भेजा उसने, और सैप्रिया मतलब सबने, और थैंक यू सो मच स्पेशल थैंक यू, और कुछ लोग केक भेजने के लिए खुशी को मैसेज और फोन कर रहे थे, किसी ने मना कर दिया, ये है कि उनको एड्रेस कहीं से मिल गया, नहीं तो अगर रुड़की होता तो केक ही केक केक केक, और खुशी ने मना भी किया था कि बेटा प्लीज आप लोगों की विशेज आई इतनी प्यारी प्यारी वो ही बहुत है, ऐसे नहीं अच्छा लगेगा कि आप लोग इतना एफर्ट लगा के भेजोगे, है ना। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर खुशी, हैप्पी बर्थडे टू यू, ये लव यू बेटा, लव यू, लव यू गाइस, लव यू सो मच, लव यू सो मच, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मम्मा, हैप्पी बर्थडे, बस बस हो कट गया, रस्सी बना दी, तो यहाँ पे होता है बर्थडे खत्म, थैंक यू, थैंक यू राजा, बर्थडे खत्म नहीं बेटा, तुम मार जाएंगे ना। हाँ सच गाइस मैं बताती हूँ एक चीज और, विवेक ने मुझे बोला था जब मैं राजा को ला रही थी, पहले तो उन्होंने मुझे बताया नहीं, बाद में उन्होंने बताया कि यार प्लीज राजा को अगर हम अगली बार ले जाए, मैंने बोला क्योंकि तेरे बर्थडे में बाहर जाने का प्लान है, लेकिन तब तक टिकट हो चुकी थी, तो मैंने बोला नहीं अभी राजा को लेके चलते हैं, और वैसे भी घर वाले नहीं है तो घर वालों को बिना क्या ही बर्थडे होता है, तो हम लोग बाहर कोई ट्रिप करेंगे साथ में, किस्मत अच्छी है कि रिफंडेबल थी फ्लाइट, थोड़ा बहुत करके रिफंड हो गया, वरना तो
तो हम लोग जा रहे हैं मेरे बर्थडे के लिए दोबारा. ये मेरा बर्थडे नहीं है, मतलब ये मेरा बर्थडे है, लेकिन असली बर्थडे तब होगा जब सब लोग आएंगे. हम करने वाले एक बहुत ही ऑसम सी ट्रिप. यस, और कहा होगी वो आप लोगों को 2-4-5 दिन में हम लोग लाइक बता देंगे. और खूब मजा आने वाला है उस ट्रिप पे, क्योंकि इस बार सिर्फ हम लोग पार्टी करने जा रहे हैं. पार्टी, स्पेशल पार्टी. ऐसी लड़की चाहिए थी मुझे जिंदगी में जो पूरी धरती पर पार्टी करके आने के बाद अपना डोसा और अपनी पुलाव मंगवा के खाए. और सुबह के 4 बजने वाले हैं. राजा यार, मम्मा भी कैसी है, इतनी अच्छी पार्टी करके आई और अब खाना खाने के लिए फिर से मंगा लिया खाना. अब वहाँ कुछ खा नहीं रही थी मम्मा वहाँ पे जब हम रेस्टोरेंट में गए थे, है ना. ये भी तो बाहर का ही है. ये पहला ऐसा आदमी जो सुपर हीरो को मार रहा है. माचो यार प्लीज एक कब बता दो यार, वीके फैम सब पूछ रहे हैं. धरती पे इतनी जगह पार्टी मचा के पानी के बीच में इधर उधर, उसके बाद आपने वैसे मैंने एक बात देखा, आपको वेस्टर्न फूड ज्यादा पसंद नहीं, वैसे आपको देसी फूड पसंद है, डोसा पोसा. अब देखो गाइस, ये डोसा अलग से इसने वो मंगाया, इसका मसाला और ये सारी सॉसेज.